संविधान में क्या लिखा हुआ है कि एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और किसको मिलना चाहिए, अति पिछड़ा ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मोदी जी ने क्या किया, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन, साथ में अति पिछड़ा का आयोग, सांविधानिक स्वीकृति, सब कुछ उन्होंने किया। अभी लालू यादव क्या बोल रहा है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोला है ना, धर्म का आधार में भारत में रिजर्वेशन हो सकता है क्या, भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो सकता है क्या? कर्नाटक ने कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 60% रिजर्वेशन दिया, किसका कोटे काटकर, ओबीसी अति पिछड़े का कोटा काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। अभी लालू यादव बोल रहा है पूरा देश में मुसलमान का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूं, पहला जैसा भी हिंदू नहीं है, हिंदू जाग उठा है, रिजर्वेशन धर्म का आधार में हो ही नहीं सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रिजर्वेशन दे।